हेलो बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा नौवीं में हिंदी चित्रित बुक में से काव्यांशों में से काव्यखंड में से हम देखेंगे कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न उत्तर होते हैं बच्चों, आज हम उनको देखेंगे कि हम कैसे हल करते हैं। ये आपको परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए हल करके आपको बताया जा रहा है कि अर्थ ग्रहण संबंधी काव्यांशों की व्याख्या या प्रश्न उत्तर कैसे किए जाते हैं। तो हम ले रहे हैं पाठ 9 से साखियां और सबद, जो कबीरदास जी की पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो है पंक्तियां हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ति चुगे, अब उड़ी अनर्जना जाही। भावार्थ है बच्चों कि मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं और वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं और उन्हें जल क्रिया में आनंद आ रहा है कि वे उड़कर कहीं नहीं जाते जाएंगे। ये उनको इतना आनंद आ जाता है कि उनको मोती जो चुग रहे हैं उनमें जल क्रिया कर रहे हैं और आनंद उसका उठा रहे हैं। आशय है इससे कि प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है, वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यानी वो उनका क्या काहे से तुलना कर दी, प्रभु भक्ति से तुलना करा हुआ बताया है हंसों के बारे में। अब है मान सरोवर से क्या आशय है, फिर सुवर जल का प्रतीक स्पष्ट कीजिए, हम किसका प्रतीक नहीं किए, मुक्ता फल चुगने का आशय क्या है, हंस अब अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे में कौन सा अलंकार है, सुबह चल के दो स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट करिए। तो मान सरोवर से क्या आशय, इसका उत्तर है मान सरोवर के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है पवित्र सरोवर और जिसमें हंस विहार कर रहे हैं, और दूसरा है मन या मानस। मान सरोवर का क्या अर्थ बताया, पवित्र सरोवर और जिसमें हंस विहार कर रहे हैं उसका दूसरा मन या मानव। सुबह जल के दो अर्थ हैं, अच्छी तरह से लबालब भरा हुआ जल और पवित्र जल। क्या है सुबह, सुबह जल इसका इसका आंसर क्या है, सुबह जल के अच्छी तरह से लबालब भरा जल और पवित्र जल। फिर हंस किसका प्रतीक है, हंस भक्त हृदय का या प्रभु साधना के साधक का प्रतीक है। मुक्ता फल अभी हमने किसका देखा, हंस किसका प्रतीक है ना, अब देखेंगे ये मुक्ता फल। चुगने का आशय क्या, चुगने का आशय है मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे में कौन सा अलंकार है, मुक्ता फल और इसमें हम देखेंगे यमक अलंकार क्या है, यमक। हंस अब अन्यत्र छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें भक्त जन सरोवर को छोड़कर वो अन्यथा कहीं भी जाना चाहते, क्योंकि भक्ति में सच्चा सुख है और मुक्ति में उनको आनंद मिल गया है, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहते। सुबह जल के अर्थ क्या बताए थे हमने, भरपूर जल और पवित्र जल। अब दूसरा प्रसंग है कि दूसरी पंक्तियां हैं काव्य की, कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरी, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी की प्रेमी मिले सब विस्मृत होय। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु वह बहुत प्रयत्न करने के बाद पर भी मुझे नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सारे पाप पुण्य बदल गए। यानी वो भगवान में प्रभु भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्होंने अपने सारे पाप पुण्य उनके एकदम से चले गए, ना उनके पाप करने की इच्छा हुई ना कोई भी इच्छाएं रह गई, फिर वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं खत्म हो गई। मन में प्रेमी के मिलने में क्या करना है,
आती है और विष और अमृत किसके प्रतीक है। तो मैं किसी भी सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए प्रयुक्त हुआ हूँ। दूसरा है, प्रेमी मिलने में क्या कठिनाई। सच्चे प्रभु प्रेमी बहुत कम ही होते, इसलिए भी आसानी से नहीं मिलते हैं। विष किस प्रकार अमृत बनता है। विष हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है और अमृत भक्ति मुक्ति आदि पुण्य और सद्भावना का प्रतीक है। इसलिए विष ऐसे सद्भावना से अमृत बन जाता है। दो भक्तों की सत्संगी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दो प्रेमियों की मिलन से कैसी अनुभूति होती है। दो भक्तों के सत्संगी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इसी प्रकार इसका भी अमृत बन जाता है। फिर है इस दोहे में किस, तो हमने अभी जो दोहा पढ़ा उस दोहे में दो प्रेमियों के मिलन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय हो जाता है। मन के मैल नष्ट हो जाते हैं और सब भावनाएं जागृत हो जाती है। क्या बताए, प्रभु भक्ति के यानी मन उसका हंस रूपी जो मन था वो प्रभु की भक्ति में लीन होके मन उनसे प्रभु से मिल गया ईश्वर से, तो उनका उसके बारे में बताया गया है इसके इन सब पंक्तियों में। अब है हस्ती चढ़ी ज्ञान की सहज नीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन के दे जग मार। तो इसमें अब बताया है कबीर दास जी साधकों को संबोधित करके कह रहे हैं कि साधको तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देख कर व्यर्थ ही होते रहते, उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आशा है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह नहीं है और वह साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। तो हमने ये दोनों काव्यों में क्या पढ़ा भी कि कैसे हम अर्थ संबंधी ग्रहण इनके प्रश्नोत्तर एक एक लाइन में कर सकते हैं। तीसरा देखिए, सहज से क्या आशय हमने पढ़ा ना, सहज से आशय स्वभाव रूप से संसारिक वासनाओं से दूर और प्रभु को प्रभु की ओर ध्यान लगाना। संसार में स्वान को किस रूप में कहा गया है, हाथी को चलते देखकर कुत्ता वश रोकता है, तो स्वान को हाथी का रूप, हाथी के सामने भोगते हुए देखा। हाथी चले बाजार, कुत्ते चले हजार, तो उसी के रूप में ये बताया गया है कि उसकी निंदा करते इसलिए संसार को स्वान रूपी कहा गया। तभी ने लोग निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति की प्रेरणा दी है। किस ज्ञान को दिया है, तभी ने लोग निंदा को परवाह किए बिना प्रभु भक्ति की प्रेरणा दी है। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई कि ज्ञान को हाथी कहने का आशय है। ज्ञानवान हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, उसे किसी की घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अब रूपक अलंकार का उदाहरण, तो रूपक अलंकार का उदाहरण हस्ती चढ़िए ज्ञान की, पिछली पंक्ति आपने देखी ना हस्ती चढ़े ज्ञान की, उसका ये रूपक अलंकार है वाली पंक्ति में। अब है हिंदू हुआ राम कहीं मुसलमान खुदाए, कहे कभी सो जीतता जो देह की निकट न जाए। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन मुसलमान का, हिंदू जन राम का नाम लेकर मर गए और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। अभी भी ये भेदभाव चल रहा और कट्टर हो गए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम खुदा दोनों से अंतर ना रखे। ऐसे कभी राजी क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं रखना चाहिए, सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। बच्चों आपको ये अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों के उत्तर हैं, आप कॉपी में लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, परीक्षा में आपको आ सकते हैं।